गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम जीव विज्ञान में वंशागति के आणविक सिद्धांत वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल पूछा गया है कि डीएनए की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए या डीएनए की संरचना के वॉटसन और क्रिक मॉडल को समझाइए चित्र लगाकर, या डीएनए क्या है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना का वर्णन करो, या फिर पूछा गया है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, वॉटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए अणु की द्विकुंडलीय संरचना का वर्णन कीजिए। तो बच्चों चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में कब कब पूछा गया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 14 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में पूछा गया है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल आया है। तो बच्चों न्यूक्लिक अम्ल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम अल्टमान ने क्या किया था, केंद्रकीय पदार्थ को निकाल कर इसमें से क्या किया, इन्होंने प्रोटीन को पृथक किया और जो शेष फास्फोरस युक्त पदार्थ था वो अम्लीय होने के कारण उसको क्या नाम दिया, उसे न्यूक्लिक अम्ल कहा। तो बच्चों ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए न्यूक्लिक अम्ल का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो अल्टमान ने किया था। इन्होंने क्या किया कि केंद्रकीय पदार्थ जो था उसको निकाला और उसमें से प्रोटीन को अलग कर दिया और जो शेष पदार्थ था उसमें क्या था, फास्फोरस युक्त होने के कारण वो पदार्थ अम्लीय था, इसलिए उसको क्या नाम दिया इन्होंने, इन्होंने नाम दिया उसको न्यूक्लिक अम्ल। ये दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए या आरएनए दो टाइप के होते हैं। डीएनए को क्या कहते हैं बच्चों, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल मतलब डीएनए और इसकी संरचना क्या होती है। तो बच्चों इसको हम पहले डायग्रामेटिक आपको समझाते हैं कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है उसको किसने दिया था, उसको दिया था बच्चों वॉटसन और क्रिक ने। तो ये आप देख रहे हैं डीएनए किसका मिलकर बना होता है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है। हमने बताया था डीएनए बना होता है नाइट्रोजिनस बेस का, डी ऑक्सी राइबोज सुगर का, और तीसरा मिलकर बना होता है फॉस्फेट का। तो डीएनए क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, ये मिलके बना होता है नाइट्रोजिनस बेस का, डी ऑक्सी राइबोज सुगर और फॉस्फेट से। चूंकि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है तो ये बना होता है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का चेन, ये आप देख रहे हैं। ये इसकी क्या है बच्चों, ये इसकी बैकबोन है, बैकबोन है। और ये बैकबोन किससे मिलकर बनी होती है, तो ये बैकबोन मिलकर बनी होती है सुगर सुगर और फॉस्फेट से। और जो नाइट्रोजिनस वेस होते हैं ये इनके हेलिक्स के अंदर रहते हैं या इस कुंडल के अंदर रहते हैं। तो बच्चों इसमें दो चेन होती है जो एंटी पैरेलल पोलरिटी शो करती है। आप देख रहे हैं एक चेन क्या है, 3-2-5- है, और दूसरी चेन कैसी है, 5- से स्टार्ट हो रही 3- तक है। तो ये चेन कैसी पोलरिटी शो करती है, एंटी पैरेलल मतलब एक चेन की पोलरिटी 3-2-5- होती है और दूसरे चेन की पोलरिटी 5-2-3- होती है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, हमने बताया था कि इसके अंदर नाइट्रोजिनस बेस होता है,
नाइट्रोजिनस बेस जो होता है वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो नाइट्रोजिनस बेस में जो एडेनिन होता है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड थाइमीन के साथ बनाता है, और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं, एडेनिन का मतलब है ये प्यूरीन है, और थाइमीन का मतलब ये क्या है, ये पिरिमिडीन है। तो प्यूरीन हमेशा क्या होता है, पिरिमिडीन के साथ अपोजिट में लगा रहता है, एडेनिन थाइमीन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बना के ये एक दूसरे से पेयर में रहते हैं। तो बच्चों ये क्या है, ये है एक हेलिक्स से स्टार्ट होके सेम उसी हेलिक्स पे खत्म होना, ये क्या है, ये पिच ऑफ हेलिक्स है। ये 34 एंगस्ट्रॉम की होती है, ये पिच बनाती है कुंडल का, हेलिक्स का। ये 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसमें कितने बेस पेयर होते हैं, इसमें 10 बेस पेयर होते हैं। ये छोटा वाला क्या है, ये माइनर ग्रुप्स है, और ये बड़ा वाला क्या होता है, ये एक मेजर ग्रुप्स बनाता है। और जो इसका डायमीटर होता है ये 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो चलिए अब हम बच्चों इसको देख लेते हैं, डीएनए क्या है। अभी हमने बताया ये एक बहुलक होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का, जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करता है, इसलिए इसे अनुवांशिक अणु कहते हैं, क्योंकि ये अनुवांशिक लक्षणों को, डीएनए का क्या काम होता है, अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाना, इसलिए इसे अनुवांशिक अणु कहते हैं। तो डीएनए की जो संरचना थी, द्विकुंडलित मॉडल, इसको किसने प्रस्तुत किया था, 1953 में बच्चों इसको प्रस्तुत किया था वॉटसन और क्रिक ने। तो क्वेश्चन पूछा जाए, डीएनए की संरचना का द्विकुंडलित मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, वॉटसन और क्रिक ने 1953 में, और इन्होंने बताया था ये दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बने कुंडल होते हैं, इसमें दो लंबी श्रृंखलाएं होती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके एक अणु में लाखों तक की संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इसलिए हम इन्हें बच्चों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं कहते हैं। इस प्रकार जो डीएनए की संरचना होती है बच्चों, वो अनेक श्रृंखलाओं के दोहरे होने से बनती है। तो डीएनए क्या है, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है एक, और ये अनुवांशिक लक्षणों को, इसका काम होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाना, इसलिए इसे हम अनुवांशिक अणु भी कहते हैं। तो वॉटसन और क्रिक ने 1953 में सबसे पहले डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल को प्रस्तुत किया, और इन्होंने बताया कि इसमें क्या होता है, दो लंबी श्रृंखलाओं के बने कुंडल होते हैं, इन्हें हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि इनके एक अणु में लाखों तक की संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसलिए इन्हें हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। प्रत्येक श्रृंखला का जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है वो बच्चों एक विशिष्ट जटिल संरचना होती है, जो स्वयं तीन प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, जिसको हमने बताया था। इसमें क्या होते हैं, तीन अणु इसमें होते हैं। पहला अणु क्या होता है, पेंटोज सुगर, जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए है तो डी ऑक्सी राइबोज सुगर, अगर आरएनए है तो राइबोज सुगर, एक पेंटोज सुगर होता है। दूसरा क्या है, फॉस्फेट समूह होता है जो फास्फोरिक अम्ल से बनता है, फॉस्फेट समूह होता है जो फास्फोरिक अम्ल से बनता है। तीसरा नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, इसमें भी जो प्यूरीन होता है, प्यूरीन होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षार आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और जो पिरिमिडीन है
इसमें कौन सा आता है? साइटोसिन और थाइमीन आता है। अगर यहीं पे बच्चों ये आरएनए होता तो थाइमीन की जगह पे क्या आता? यूरेसिल आता। तो प्रत्येक श्रृंखला क्या है? प्रत्येक श्रृंखला पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स की एक जटिल संरचना है। ये तीन अणुओं से मिलकर बना होता है। एक पेंटोस शुगर, एक फॉस्फेट का जो समूह होता है उससे मिलकर बना होता है। तीसरा नाइट्रोजिनस बेस। तो बच्चों जो डीएनए के अणु में डीऑक्सीराइबोस शर्करा का एक अणु किससे मिलता है? क्षारक के एक अणु से मिलता है। तो जो ये डीऑक्सीराइबोस शुगर थी जिसे हम पेंटोस शुगर कहते हैं, इसका एक अणु किससे मिलेगा? एक अणु इसका नाइट्रोजिनस बेस या क्षारक के अणु से मिलता है। तो ये दोनों क्या बना लेते हैं? ये दोनों बनाते हैं डीऑक्सीराइबोस, मतलब डी ऑक्सी राइबोज सुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? ये दोनों मिलकर बनाते हैं डी ऑक्सी राइबोसाइड। ये क्या है? ये एक तरीके का न्यूक्लियोसाइड है। तो क्वेश्चन पूछा जाए न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है? तो सुगर और नाइट्रोजिनस बेस से मिलकर बना होता है। तो डीएनए के एक अणु में क्या होता है? जो पेंटोस सुगर होता है उसका एक अणु नाइट्रोजिनस बेस से मिलता है और बनाता है डीऑक्सीराइबोज साइड, एक न्यूक्लियोसाइड्स होता है बच्चों। अब क्या होता है? इस न्यूक्लियोसाइड्स में जो फास्फोरिक अम्ल है, फास्फोरिक अम्ल है वो मिल जाता है और क्या बना लेता है? ये इससे मिलके क्या बना लेगा? अब डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। ये क्या है? ये एक तरीके का न्यूक्लियोटाइड है। तो बच्चों इस तरीके से क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स के एक अणु में क्षारक का अणु जो होता है सदैव शर्करा के अणु से जुड़ता है। इसी प्रकार फास्फोरिक अम्ल का भी जो अणु होता है वो भी शर्करा के अणु से जुड़ता है। तो एक श्रृंखला में क्या होता है? इस तरीके से फास्फोडाइस्टर लिंकेज होता है 3-5 डायरेक्शन में। और जो दूसरी श्रृंखला होती है, दूसरी श्रृंखला होती है उसमें जो डायरेक्शन होता है 5-2, 3 डायरेक्शन होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इसकी एक श्रृंखला में 3-5 डायरेक्शन है, दूसरी में 5-3 डायरेक्शन है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि डीएनए की जो संरचना होती है वो कैसी लग रही है। ये एक सीढ़ी नुमा संरचना लग रही है। और अभी हमने बताया था डीएनए का व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम, या डीएनए का डायमीटर कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है बच्चों? डी ऑक्सी राइबोस सुगर और नाइट्रोजिनस बेस से। और न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है? ये डी ऑक्सी राइबोस सुगर नाइट्रोजिनस बेस और फास्फेट ग्रुप तीनों से मिलकर बना होता है। तो बच्चों यदि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।